जयपुर में बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि महिलाओं पर अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं। अलवर की घटना के आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, तो वहीं राजधानी में दो लड़कियों पर हुए दिन दहाड़े एसिड हमले पर भी उन्होंने सरकार को घेरा और अपराधियों को जरा भी खौफ नहीं है कहा कि बेटियां घर से निकलने में डरने लगी हैं। अत्याचार बढ़ रहा है, रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं राजस्थान में। ये ऐसी हालत राजस्थान में इससे पहले कभी नहीं हुई। ये दो दिन पहले अलवर भिवाड़ी में जो घटना हुई थी एक नाबालिग के साथ, जिसमें 8 लोग जिन्होंने लगातार उस नाबालिग को रेप किया, उसका वीडियो वायरल किया, अभी तक उनमें से एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। सांगानेर में दो जगहों पर दो बालिकाओं पे एसिड फेंका गया और उन दोनों जो बालिकाएं थी उनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं था। वो सड़क पे चल रही थी, अपने कोचिंग सेंटर से आ रही थी और उन पे एसिड अटैक हुआ। हमारी बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल सकती, ये हालत है आज राजस्थान की। पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो कहते हैं कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन क्या हमारी राजस्थान की बेटियां उनके लिए लड़की नहीं है? उनके बारे में कौन सोचेगा? जब उनकी बात आती है तो ये कहां चले जाते? लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन क्या हमारी राजस्थान की बेटियां उनके लिए लड़की नहीं है?